वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग मैथ सब्जेक्ट फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर 3 एडिशन पार्ट 2। आई होप यू हैव डन प्रीवियस पार्ट इन योर टेक्स्ट बुक। बच्चों लुक एट हियर, हियर आर सम चिल्ड्रंस। और उनके हाथ में क्या दिख रहा है? बलून्स। बच्चों अभी हम ये बलून काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3। और ये गर्ल चाइल्ड है, वो और दो बलून्स दे रही है, 1, 2। तो टोटल मिला के कितने हुए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट जाते हैं, जैसे कि 3 बलून्स ऑलरेडी ये बॉय के पास है, 1, 2, 3। और गर्ल चाइल्ड कुछ भी नहीं दे रही है, दैट मीन्स 0। तो 3 + 0 कितना होता है बच्चों? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखेंगे, अभी ये चिंटू है, इसके पास 0 बलून्स है। पिंकी ने उसको कितने बलून्स दिए? 2। तब चिंटू के पास कितने बलून्स हुए? 1 एंड 2, है ना बच्चों? यस। अभी चिंटू के पास कितने बलून्स हैं? 1, 2, 3, 4। और पिंकी के पास 0। तो चिंटू के पास अभी कितने बलून्स हुए? यस, 4। अब चिंटू के पास कितने बलून्स हैं? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। और पिंकी के पास 0। तो चिंटू के पास कितने बलून्स रहे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ पिंकी हैज सम बलून्स। चिंटू के बाद अभी कितने बलून्स है बच्चों? 1, 2, 3। और पिंकी 1, 2, 3, 4। टोटल मिला के कितने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। समझ में आया बच्चों एडिशन? अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ भी यानी 0 ऐड करते हैं तो जो नंबर है वही नंबर हमको आंसर में भी मिलता है, ये बच्चों ध्यान में रखना है कि 0 के साथ हम कोई भी नंबर ऐड करें तो हमको वही नंबर का आंसर मिलता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको क्या करना है? काउंट करना है एप्पल्स कितने हैं। फर्स्ट पिक्चर में एप्पल्स कितने हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4। तो क्या आएगा यहाँ पे? 4 + 4 एप्पल है, उसमें 4 एप्पल ऐड करेंगे तो कितने हुए बच्चों? चलो काउंट करो, 4 के आगे काउंट करना है हमको, जैसे कि 5, 6, 7 एंड 8। तो माय आंसर इज
अभी क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? लेमन। लेमन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 लेमन्स है ना। और उसमें कितने बच्चों ऐड हो रहे हैं? 5 के आगे बोलो 6 7, तो टोटल कितना हुआ? 7। पेयर्स कितने दिख रहे हैं? 6 है ना। उसमें आगे काउंट करो, 7 8 and 9, सिक्स प्लस थ्री कितना होता है? 9। अभी नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, एड एंड मैच। बच्चों 3 + 3 कितना होता है? हम कैसे काउंट करना है पता है? 1 2 3, 3 लाइंस कर देनी है इस पे, 1 2 3। तो सॉरी, 1 2 3 + 1 2 3, तो कितने हुए बच्चों टोटल लाइंस? 3 और आगे 4 5 and 6, तो 6 डॉट कहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों? यस, 3 + 3 is 6 है ना। 3 + 3 be 6 होता है, और क्या होता है वो आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? 4 4, और आगे काउंट करो, 4 के आगे काउंट करो 5 and 6, ये भी 6 हुआ। आप देख रहे हो ना, 4 + 2 be 6 होता है और 3 + 3 be 6 होता है। अभी नेक्स्ट, ये क्या है बच्चों? 3 और उसके आगे 4 काउंट करो, 3 के आगे 4 काउंट करो, तो कितना होता है? 4 5 6 7, तो 7 डॉट्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं? यस, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने इससे मिला दिया है ना। और ये कितना है? 0 + 8 यानी क्या होता है बच्चों? 8। 8 हमको कहाँ पे दिख रहा है? 8, यस, हमको 8 यहाँ पे दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 + 8 is 8, 8 + 0 is also 8, 4 + 2 is 6, 3 + 3 is 6, 3 + 4 is, हमने काउंट किया है 7। तो और नेक्स्ट क्या दिख रहा है? ये क्या है बच्चों? 3 + 6, तो 3 के आगे काउंट करो 1 4 5 6 7 8 9, 9 डॉट्स कहाँ पे दिख रहे हैं? यस, यू आर राइट, 9। 3 + 6 be 9 होता है, और यहाँ पे देखो 6 + 3 be 9 होता है। 5 + 2 कितना होता है बच्चों? काउंट करो, 5 के आगे 2 6 and 7, तो 7 यहाँ पे। अभी 2 + 1 3, 1 + 2 be 3 होता है, 1 + 3 is 4, और 3 + 1 is also 4। ओके बच्चों, आपको ये आपके टेक्स्ट बुक में करना है। अभी लास्ट, ये मैंने पहले भी बोला है, ये एडिशन को हम क्या बोलेंगे?
हॉरिजेंटल है ना। अमी टू है, टू में सेवन ऐड करने हैं, तो बच्चों कैसे ऐड करेंगे? टू के आगे सेवन काउंट करो, चलो थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, हुआ बच्चों? तो टू प्लस सेवन इज नाइन। वन प्लस थ्री, वन के आगे थ्री काउंट करो, फोर फाइव सिक्स, सॉरी वन के आगे थ्री काउंट करो बच्चों, तो टू थ्री फोर, थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव, तो थ्री के आगे काउंट करो, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फोर प्लस वन क्या होता है बच्चों? फोर के आगे क्या होता है? वन यानि फाइव। फोर प्लस जीरो इज फोर, जीरो प्लस टू इज टू, टू प्लस टू इज टू के आगे काउंट करो, थ्री फोर, थ्री प्लस फोर इज, थ्री के आगे काउंट करो बच्चों, फोर फाइव सिक्स सेवन, ये क्या हुआ? हॉरिजेंटल एडिशन। अभी ये वर्टिकल, वैसे ही करना है। थ्री है बराबर, थ्री के आगे अभी सिक्स ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी? थ्री के आगे बोलो, काउंट करो, जब तक सिक्स नहीं आता है तब तक, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, देन माय आंसर इज नाइन। फाइव के आगे टू काउंट करो, सिक्स सेवन, तो आंसर इज सेवन। थ्री के आगे थ्री काउंट करो, फोर फाइव एंड सिक्स, आंसर इज सिक्स। जीरो में बच्चों एट ऐड करते हैं तो क्या आता है आंसर? यस एट। सिक्स प्लस थ्री क्या होगा बच्चों? चलो काउंट करो, सेवन एट नाइन, वन प्लस सेवन क्या होता है? वन के आगे काउंट करो, चलो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, माय आंसर इज एट। टू प्लस थ्री, टू के आगे काउंट करो बच्चों, फोर फाइव, सॉरी टू के आगे थ्री फोर फाइव, तो माय आंसर इज फाइव। फाइव प्ले जीरो ऐड किए तो बच्चों क्या आता है? यस फाइव। और थ्री के आगे फोर करना है तो बच्चों चलो काउंट करो, फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, तो सेवन आंसर आता है। बच्चों चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, राइट द मिसिंग न्यूमरल्स। अभी आपको यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं है ना, और ऐसा पूछा है ये बॉक्स में ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि जिन इनका और इनका एडिशन फाइव आता है। तो बच्चों ये इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ है ना। अभी मानो कि मेरे पास टू गेंद है, यानी टू बॉल है बराबर,
उसमें मैंने 3 बॉल ऐड किए, तो 2 + 3 इज क्या होता है, चलो काउंट करो फटाफट, 2 के आगे 4, 5, 2 के आगे 3, 4 and 5, तो माय आंसर इज 5। अभी 3 और प्लस 3 + 2 भी क्या होता है, काउंट करो 3 के आगे 4 and 5, तो माय आंसर इज 5, है ना। उसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 3 = 5 भी लिख सकते हैं, और 3 + 2 = 5 भी लिख सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी आती है नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि 1 बॉल में मैंने और कितने ऐड करूं तो 5 आंसर आएगा, तो मेरे साथ काउंट करो चलो। यस 4, 1 के आगे 4 काउंट करो, जैसे कि 2, 3, 4 and 5, देन माय आंसर इज 5, है ना बच्चों। यू कैन राइट हियर 1 + 4, ये भी लिख सकते हो, और इसका उल्टा 4 + 1 = 5, ये भी लिख सकते हो। हाँ, यू कैन राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस। अभी 0 बॉल है, उसमें कितने ऐड करूँगी, यस 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 5। वैसे ही सेम उल्टा किया, 5 बॉल्स में 0 ऐड किए, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 5। समझ में आ रहा। अभी यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ, 0 + 5 भी लिख सकती हूँ, 5 + 0 भी 5 होता है ना बच्चों। तो आप आज का आपका होमवर्क है ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने का, है ना। ये एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल जैसे किया है, वैसे आप इसमें एनी मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि और एग्जांपल मैं दे लेती हूँ, 3 है, अरे 6 है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, 0 लिखा तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ, है ना, 0 + 6 = 6। अगर मुझे ऐसा लगा कि ये बॉक्स में मैं 1 लिखूँ, तो 1 के आगे काउंट करो चलो बच्चों, जब तक 6 नहीं आता। चलो 2, 3, 4, 5 and 6, तो कितनी लाइंस हुई बच्चों, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, है ना। हमको तो आंसर 6 चाहिए, यानी मैंने 6 तक काउंट किया, तो 5 कितनी लाइंस आई, 5, दैट मीन्स 1 + 5 = 6। आप 5 + 1 भी 5 + 1 भी लिख सकते हो। गॉट इट, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, टिल देन टाटा बाय बाय।